गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि सभी थाना शाखा में काम कर रहे पुलिस कर्मियों को अब से शादी हो, बच्चों के जन्मदिन हो, सालगिरह हो या खुद कर्मचारी का जन्मदिन हो या कोई भी पारिवारिक समारोह हो, इन सभी मौकों पर अगर कोई कर्मचारी छुट्टी मांगता है तो उसे अब से किसी भी कीमत पर छुट्टी दी जाएगी। आदेश में यह भी लिखा है कि इस आदेश का पालन सभी जगह किया जाए, लेकिन छुट्टी लेने की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। इस मामले में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि यह कई बार देखने में आया है कि छुट्टी न मिलने से पुलिसकर्मी पारिवारिक समारोहों में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते ये आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उनकी पारिवारिक खुशियां लौट आएंगी और वो तनाव मुक्त होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। इस घोषणा के बाद से सभी पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है आप छुट्टी पे आप घर जा सकते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं और अपनी सालगिरह भी मना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आदेश किया साहब ने, उत्तम आदेश है, सभी के लिए लाभदायक है और सभी कर्मचारी इसका फायदा उठाएंगे। और पुलिस में कितना साल आपको हो गए? मुझे 24 साल हो गए हैं। 24 सालों में कितनी बार आप गए हैं अपना सालगिरह मनाने? बच्चों ऐसे कम ही मौके मिल पाते हैं जब हम, परंतु ऐसा लग रहा है कि आप हम मना पाए। क्या नाम है आपका? पूनम रानी। पूनम जी, कितने साल की ड्यूटी हो गई आपको पुलिस में? 9-10 साल। 9-10 साल में कभी घर पे सालगिरह है, बच्चों के जन्मदिन मनाए आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं मनाया। नहीं मनाता है, वजह क्या रही? छुट्टी नहीं मिल पाती थी। अब अगर छुट्टी मिलने के जो आदेश आए हैं एसएसपी महोदय के, लग रहा है कि आगे खुशी रहेगी, बच्चों में रहेंगे, पति के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे सालगिरह पर? हाँ, अब तो लग रहा है। लग रहा है, खुशी है इस बात की? हाँ, खुशी है, बहुत खुशी है। और सर, आपका नाम? अरविंद कुमार सिंह। एक आदेश आज आपके कप्तान द्वारा दिया गया है जिसमें छुट्टी की बात कही गई है, जन्मदिन, सालगिरह और बच्चों के जन्मदिन जब रहते हैं, किस तरह का आदेश आपको लग रहा है और क्या आगे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह की खुशी है? बहुत ही अच्छा आदेश किया है साहब ने और उसको जो है पढ़ के स्वाभाविक है, नेचुरल है, सभी पुलिसकर्मियों में एक नई उत्साह, नई एनर्जी, नई खुशी, इस तरह का माहौल आया है कि वो अपने जन्मदिन को, अपनी सालगिरह को, अपने जो है परिजनों के जो है जो उनके सगे संबंधी हैं उनके साथ अपना मना सकते हैं, उनको कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत ही जो है अच्छा है। मैं हेड कांस्टेबल अनिल बालियान शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात हूँ। बालियान जी, आपका आज का आदेश आपने पढ़ा होगा? हाँ जी, पढ़ा है। वैसे तो छुट्टी पहले भी परेशानी नहीं हुई इतनी, लेकिन साहब का जो आदेश हुआ है आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम अपने कोई भी फंक्शन, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, उसमें घर जा सकते हैं, सबके घर परिवार वालों के साथ में मना सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा लगा। ये सवाल है, क्या अब से पहले लगातार मनाते आए हैं या नहीं मना पाए? नहीं मना पाए, बाई चांस कभी ऐसा हो गया हो कि छुट्टी मिल गई हो, नहीं तो नहीं जा पाते थे। मैक्सिमम टाइम नहीं मना, नहीं मना पाए, तो अब मना पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, साहब का आदेश बहुत अच्छा आदेश हुआ है। अब प्रायः यह देखने में आता है कि किसी अपने खुद की सालगिरह या बच्चों के जन्मदिन या किसी निकट संबंधी के यहाँ कोई शादी समारोह है या कोई अन्य ऐसा आयोजन है जिसमें किसी का रहना वहाँ पर अपेक्षित होता है, किंतु पुलिसकर्मी जो है छुट्टी ना होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। इस चीज़ के दृष्टिगत एक आदेश जारी किया गया है समस्त शाखा प्रभारियों को, थाना प्रभारियों को और अधीनस्थ अधिकारियों को कि सामान्यतः इस तरह से कोई भी छुट्टी का यदि आवेदन करता है, उसकी सालगिरह है या उसके परिवार में बच्चों का जन्मदिन है, कोई ऐसा अवसर है, तो उसकी छुट्टी को रोका ना जाए, उसको तत्काल छुट्टी पर रवाना कर दिया जाए। इससे हमें उम्मीद है कि जहां एक और ये पारिवारिक और सामाजिक खुशियां जो पुलिसकर्मी की होती हैं वो उसमें इजाफा होगा और वहीं दूसरी ओर वो पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी जब लौटने के बाद अपनी तन्मयता से पूरी ड्यूटी पूरे मनोयोग से कर सकेंगे और पब्लिक के प्रति जो उनका बिहेवियर है उसमें भी इसमें काफी सुधार आएगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।